दोस्तों नमस्कार, मैं अशोक आप लोगों का स्वागत करता हूं वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में भजन है सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगी। आइए दोस्तों इसके नोटेशन तैयार करें। दोस्तों इस भजन में लगने वाले स्वर की बात करें तो थाट है आसावरी, और आप जानते हैं थाट आसावरी में कोमल गा, कोमल धा और कोमल नी का प्रयोग होता है। तो दोस्तों इस भजन में हमारे जो स्वर हैं, मैं इसको पहली काली से यानी कि सी शार्प से मैं इसको प्ले कर रहा हूँ। सा रे गा मा पा धा नी, कोमल नी, कोमल धा, कोमल गा। दोस्तों इसमें शुद्ध गा और शुद्ध धा का भी प्रयोग है, और मंद सप्तक यानी कि लोअर ऑक्टेव में हमारे पास जो स्वर है कोमल नी। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों इसके शुरुआत में एक बहुत ही अच्छा एक म्यूजिक बजता है। वो म्यूजिक क्या है? इसको हम कैसे बजाएंगे? सा रे गा मा पा, और वापसी में हमारे पास वापसी चलेंगे हम मा गा और रे। फिर दूसरी लाइन है इसकी कोमल नी, आइए भजन शुरुआत। सतगुरु मैं तेरी पतंग, या दोनों तरह से आप इसको बजा सकते हैं। पहला तरीका है सतगुरु, दूसरा तरीका है हवा विच उड़ती जावागी। हवा विच, कोमल धा का प्रयोग, बाबा डोर हतो छड़ी ना, बाबा डोर हतो छड़ी ना, मैं कट जावांगी। साइया आइए दोस्तों इसको थोड़ा सा प्ले करें। दोस्तों इसके अंतरे की तरफ चलें। अंतरे में बस हमें एक ही लाइन तैयार करनी है, बाकी सारा अंतरा सेम बजेगा। बड़ी मुश्किल दे नल मिलिया, तो इसकी शुरुआत है दोस्तों हमारे पास में पा से। पा को हमें चार बार बड़ी मुश्किल दे नली, बड़ी मुश्किल दे नल मिलिया मैनू तेरा द्वारा आए, बाबा तेरा द्वारा आए, बड़ी मुश्किल, मुश्किल बड़ी, नेक्स्ट लाइन भी ऐसी ही बजेगी मैनू इक्को तेरा आसरा,
फिर वही हमारा शुरुआत का जुड़ जाएगा, सतगुरु मैं तेरी पतंग। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।